गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, 39वीं वीडियो के साथ में कक्षा 11th विषय जीव विज्ञान। देखिएगा, 38वीं वीडियो में हमने आपको अर्धसूत्री विभाजन की परिभाषा, विशेषताएं और उसकी क्रियाविधि के बारे में बताया, अर्थात चार्ट के द्वारा और डायग्रामेटिक के द्वारा बताया था उसको हल्का सा। अब आता है डिस्क्रिप्टिव, उसकी क्रियाविधि। तो अर्ध सूत्री विभाजन की क्रियाविधि, अर्ध सूत्री विभाजन की क्रियाविधि। तो देखिएगा बेटा, ध्यान देना, हमने आपको बताया था कि अर्ध सूत्री विभाजन, ध्यान देना, कैसा विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन ऐसा विभाजन जिसमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से या मातृ कोशिका से आदि रह जाती है, तो उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अब ध्यान देना, हमने ये बताया अर्धसूत्री विभाजन की जो क्रिया है वो दो पदों में पूर्ण होती है, दो चरणों में पूर्ण होती है, जिसे अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कहते हैं। तो ध्यान देना, इसमें आता है पहला अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, ध्यान देना, इसमें आ जाता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट या प्रथम, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। ध्यान दीजिएगा, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के अंदर क्या होता है, इसे ध्यान देना न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। देखो, इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या न्यून मतलब कम हो जाती है, ध्यान देना। इसे और क्या कहेंगे, यह विषम प्रकार का, यह विषम प्रकार, हेटरोटाइपिक कैसे बोलेंगे इसको, यह विषम प्रकार का विभाजन, कैसा विभाजन, हेटरोटाइपिक, एच ई टी ई आर ओ टी वाई पी आई सी, हेटरोटाइपिक डिवीजन, हेटरोटाइपिक डिवीजन, यह विषम प्रकार का विभाजन होता है, विभाजन होता है, अतः हेटरोटाइपिक विभाजन होता है या विषम प्रकार का विभाजन होता है। कैसा होता है, विषम प्रकार का, हेटरोटाइपिक डिवीजन होता है। यह निम्नलिखित तीन भागों में पूर्ण होता है, यह निम्नलिखित, यह निम्नलिखित तीन भागों में, तीन भागों में पूर्ण होता है। कितने भागों में पूर्ण होता है, तीन भागों में पूर्ण होता है, जिन्हें ध्यान देना, पहला है इसके अंदर ध्यान देना अंतरावस्था, अंतरावस्था फर्स्ट, इसे हम ये भी कह सकते हैं इंटरफेज, आई एन टी ई आर पी एच ए एस ई, इंटरफेज फर्स्ट। तो ध्यान दीजिएगा कि अंतरावस्था फर्स्ट तीन भागों में पूर्ण होता है, अंतरावस्था फर्स्ट, केंद्रक विभाजन फर्स्ट, जिसे हम कीरियोकाइनेसिस फर्स्ट भी कहते हैं, और कोशिका द्रव्य विभाजन फर्स्ट, ये तीन भागों में पूर्ण होता है। ध्यान देना, हमने आपको पहले बताया था कि अंतरावस्था कौन सी अवस्था, दो विभाजनों के मध्य की अवस्था होती है, अर्थात यह अंतरावस्था तीन प्रावस्थाओं में पूर्ण होती है या तीन उपावस्थाओं में पूर्ण होती है, जिन्हें जीवन फेज, जी टू फेज और एस फेज कहते हैं। हमने इनके बारे में पहले बता चुके हैं, फिर भी हम आपको बता देते हैं क्या, कि यह निम्नलिखित, यह निम्नलिखित तीन प्रावस्थाओं में पूर्ण होती है, यह निम्नलिखित तीन प्रावस्थाओं में पूर्ण होती है। पहली है, इसके अंदर आप देखना, जीवन
फेज, दूसरी है एस प्रावस्था, इसे बोलेंगे संश्लेषण प्रावस्था, और तीसरी है मतलब जी टू फेज। ध्यान देना बेटा, सामान्यतः जी टू फेजिस में नहीं होती है, जी टू फेजिस में नहीं होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जीवन प्रावस्था अर्थात फर्स्ट गैप फेज, इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन की तैयारी करती है। इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन तैयारी करती है, अर्थात इसमें आरएनए और स्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तारक केंद्रों का वो तारक काय का विभाजन होता है, और एस प्रावस्था में डीएनए की प्रतिकृति होती है अर्थात आनुवंशिक पदार्थ का द्विगुणन होता है। इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। अब जो आती है आपके ये, इसमें देखो यह प्राय नहीं होती, इसमें देखो यह प्राय अनुपस्थित होती है, कौन सी अवस्था, जी टू फेज। ध्यान देना, इसके बारे में पहले हमने आपको ओरल बता दिया था कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। न्यूनकारी विभाजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से आधी हो जाती है। विषम प्रकार का विभाजन भी कहते हैं इसको, विषम प्रकार का होता है मतलब भिन्न प्रकार का विभाजन होता है, क्योंकि इसमें पुत्री गुणसूत्रों में गुणसूत्रों की संख्या भिन्न होती है, किससे, जनक कोशिका से, और यह अनुक तीन भागों में पूर्ण होता है। पहले अंतरावस्था फर्स्ट, ये अंतरावस्था फर्स्ट जो तीन प्रावस्थाओं में पूर्ण होती है, पहली है जीवन फेज, एस फेज और जी टू फेज। अब देखिएगा जो दूसरे प्रकार का है उसमें आता है आपको दूसरे प्रकार की जो अवस्था है, तीन भागों में पूर्ण होता है ये, तो इसमें आपको आ जाएगा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जो चल रहा है, इसमें आपको आ जाएगा दूसरा, इसमें कौन सा आ जाएगा, ध्यान देना, केंद्रक विभाजन फर्स्ट, केंद्रक विभाजन फर्स्ट, केंद्रक विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की दूसरा चरण, केंद्रक विभाजन फर्स्ट। ध्यान देना, इसे बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, के ए आर वाई ओ के आई एन ई एस आई एस, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, यह निम्नलिखित चार उपावस्थाओं में बांटा गया है या चार उपावस्थाओं में पूर्ण होता है, इसमें ध्यान देना, यह निम्नलिखित चार प्रावस्थाओं में पूर्ण होता है, अर्थात केंद्रक का विभाजन चार प्रावस्थाओं में पूर्ण होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, ध्यान देना, जिन्हें पूर्वावस्था फर्स्ट, दूसरी आ जाएगी मध्यावस्था फर्स्ट, और तीसरी आ जाएगी पश्चावस्था फर्स्ट, और चौथी है अंत्यावस्था, अंत्यावस्था फर्स्ट। मतलब केंद्रक विभाजन फर्स्ट की जो अवस्थाएं हैं या प्रावस्थाएं हैं वो भी चार भागों में बटी होती है, अर्थात चार भागों में पूर्ण होता है केंद्रक का विभाजन। पूर्वावस्था फर्स्ट मतलब प्रोफेज फर्स्ट, मध्यावस्था फर्स्ट, पश्चावस्था फर्स्ट और अंत्यावस्था फर्स्ट। अब ध्यान देना, अब एक एक वर्णन इनका करेंगे। ध्यान देना, केंद्रक विभाजन की पूर्वावस्था फर्स्ट, ध्यान देना, इसमें आपको आ जाएगा पहली जो अवस्था है कौन सी, पूर्वावस्था, पूर्वावस्था, पूर्वावस्था फर्स्ट, इसे बोलते हैं प्रोफेज, पी आर ओ पी एच ए एस ई, प्रोफेज फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, जो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था है, ध्यान देना,
यह केंद्रक विभाजन की पूर्वस्था या समसूत्री विभाजन की पूर्वस्था से अधिक लंबी एवं जटिल होती है। ध्यान देना, मतलब यह समसूत्री विभाजन या विभाजन प्रावस्था की पूर्वावस्था से अधिक जटिल एवं लंबी होती है। इसे ध्यान देना पांच उपावस्थाओं में बांटा गया है, जिन्हें लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस कहते हैं। तो इसमें देखो, यह समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था, यह समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था से अधिक जटिल एवं लंबी होती है, अधिक जटिल एवं लंबी होती है, जो निम्न पांच उपावस्थाओं में पूर्ण होती है। निम्न पांच उपावस्थाओं में पूर्ण होती है, पहली है लेप्टोटिन, लेप्टोटिन, दूसरी है जाइगोटिन, और सी है तीसरे प्रकार की पैकाइटिन, और डी है डिप्लोटिन, और ई है डाइकाइनेसिस। ये पांच उपावस्थाओं में पूर्ण होती है। ध्यान दीजिएगा, इसे बोलते हैं तनुपट। आगे बता देंगे इसको, और लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। ध्यान देना, तनुपट, स्थूलपट और तनुपट और युग्मपट, इसे इनको एक नाम और है, इसे बोलेंगे तनुपट। तनुपट भी कहते हैं इसे, इसे बोलेंगे युग्मपट, और इसे बोलेंगे स्थूलपट, स्थूलपट, और इसमें एक नाम और है इसका, स्थूलपट, और इसे बोलेंगे आपको हम जो डिप्लोटिन, द्विपट, द्विपट, डिप्लोटिन को द्विपट, द्विपट, और लास्ट की जो होती है डाइकाइनेसिस, इसे बोलेंगे हम, इसका नाम आ जाएगा आपको पार गति क्रम। ध्यान देना, इनको हिंदी मर्त, ध्यान देना, लेप्टोटिन को तनुपट, जाइगोटिन को युग्मपट, पैकाइटिन को स्थूलपट, और डिप्लोटिन को द्विपट, और डाइकाइनेसिस को पारगति क्रम। ध्यान देना, समसूत्री पूर्वावस्था फर्स्ट क्या होती है, अधिक जटिल होती है समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था से, और अधिक लंबी होती है, जो कि निम्नलिखित पांच अवस्थाओं या पांच उपावस्थाओं में पूर्ण होती है। इनका नाम है लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। बेटा कंप्यूटर में पूछा जाता है कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की पूर्वावस्था की फर्स्ट को कितनी उपावस्थाओं में बांटा गया है, या उनका सीक्वेंस, तो सीक्वेंस से चलते जाना चाहिए क्रम से, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, इनका सीक्वेंस से वर्णन होता है। तो पूर्वावस्था फर्स्ट पांच उपावस्थाओं में पूर्ण होती है। अब एक एक का वर्णन देख लेते हैं, ध्यान देना, एक एक का वर्णन देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको अगर डायग्रामेटिक रूप में देखेंगे हम, तो सबसे पहले अंतरावस्था चालू होती है, ये कौन सी अवस्था से, अंतरावस्था से, इसमें देखिएगा, यदि इसका डायग्रामेटिक अध्ययन करेंगे तो आपको
सबसे पहले अंतरावस्था केंद्र विभाजन की पहली कौन सी थी? है पूर्वावस्था फर्स्ट, पी आर ओ पी एच ए एसी प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी? ए, ए करके लैप्टोटीन, लैप टो टीन, लैप्टोटीन ध्यान देना, इसे बोलते हैं एल ई पी लैप्टोटीन। इसका नाम क्या हिंदी में? तनुपट, तनुपट। ये आपका हेडिंग हो गया। अब ध्यान देना, इसको डायग्रामेटिक रूप से एक बार समझ लें। तो सबसे पहले जो अंतरावस्था होती है इस टाइप होती है, अंतरावस्था ध्यान देना, और ये इसकी केंद्रक झिल्ली सीएम, कोशिका झिल्ली, देख इसे तो बोलते हम सीएम सेल मेम्ब्रेन, और ये होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनएम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली। अब ध्यान देना इसमें क्या होता है, ये होती है केंद्रिका न्यूक्लियरस, केंद्रिका एन यू सी एल ई न्यूक्लियो प्लस, ये होती है एन एम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे इसको, केंद्रक झिल्ली, इसे बोल देंगे कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली एन एम, ये केंद्र झिल्ली हो गई, कोशिका झिल्ली हो गई। इसके अंदर ध्यान देना जो गुणसूत्री पदार्थ होता है वो कैसे होता है, धागेनुमा होता है, इंटरफेज अवस्था है ये। इस प्रकार ये होता है गुणसूत्रीय पदार्थ, गुण सूत्रीय पदार्थ मतलब क्रोमेटिन, क्रोमेटिन जाल। ये कौन सी अवस्था होती है? अंतरावस्था, अंतरावस्था ध्यान देना। अंतरावस्था के बारे में क्या बोलेंगे, इंटरफेज फर्स्ट, ये अंतरावस्था इंटरफेज, इन टर फेज फर्स्ट ध्यान देना। इसके बाद में अंतरावस्था प्रवेश कर जाएगी कौन सी अवस्था में, ध्यान देना पूर्वावस्था फर्स्ट में, और पूर्वावस्था फर्स्ट की कौन सी ध्यान दीजिएगा, और ये आपको एन एम मिल जाएगी, यहाँ से आ जाएगा पूर्वस्तर पर लैप्टोटीन। लैप्टोटीन में क्या होता है कि ये होती है आपके सी एम सेल मेम्ब्रेन, और ये होती है एन एम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये केंद्रिका होती ही है न्यूक्लियरस, केंद्रिका ये कोशिका द्रव होता है और ये केंद्र द्रव, इसमें आपको इस टाइप केंद्र झिल्ली के कोने में ध्यान देना क्या हो जाएगा, क्रोमेटिन गुलदस्ता बुके अवस्था ऐसी बन जाती है, मतलब एक कोने में क्या जाते हैं गुणसूत्र क्रोमेटिन पदार्थ, क्या होता है क्रोमेटिन पदार्थ या गुण सूत्रीय पदार्थ केंद्र झिल्ली के कोने में स्थित हो जाता है, और यह गुलदस्ता नुमा अवस्था बन जाती है, बुकेट मतलब गुलदस्ता, इसे बोलते हैं लैप्टोटीन, लैप्टो टीन ध्यान देना, ये लैप्टोटीन हो जाती है। इसके बाद में आगे वाली तो यहीं से आप क्या जाती है पूर्वावस्था फर्स्ट, ये पूर्वावस्था फर्स्ट शुरू हो जाएगी, तो ये इसे बोलते हैं गुलदस्ता अवस्था। गुणसूत्री पदार्थ कैसा होता है, ये गुलदस्ता एक मतलब एक कोने में इकट्ठा हो जाता है, इसे बोलते हैं गुलदस्ता, गुलदस्ता नुमा अवस्था, जैसे गुलदस्ता में एक साइड इकट्ठे हो जाते हैं तो ये लैप्टोटीन हो जाएगी। इसके बाद में दूसरी आ जाती है आपको ध्यान देना, ये वही पांच चक्रों में पूर्ण होती है, ये
अंजना कौन सी है ये, ये आ जाएगा आपको, ये गुणसूत्र बन जाएंगे केंद्र झिल्ली, ये होती है जाइगोटिन, इसे बोलेंगे हम कौन सी अवस्था, ये ऐसे हो जाते हैं मतलब, ये दोनों कौन सी होती है लेप्रोटीन, ये दोनों अवस्थाएं कौन सी होती हैं, लेप्रोटीन होती हैं ये, इसमें अवस्था चेंज हो जाती है, ये दोनों अवस्थाएं क्या होती हैं लेप्टोटीन, लेप्टोटीन ध्यान देना, लेप्टोटीन अवस्था, तो ध्यान देना लेप्टोटीन अवस्था में क्या होता है कि गुणसूत्री पदार्थ केंद्र झिल्ली के एक कोने में गुलदस्ता नुमा संस्था के रूप में इकट्ठा हो जाता है, तो इसमें क्या बनता है आपको ध्यान दीजिएगा, ये दो जो अवस्था दिखा रखी है आपको, इसमें देखिएगा ध्यान से इसका चित्र बनाया तो बनेगा नहीं, बहुत बड़ा बनेगा, फिर एक एक करके हम बता देते हैं आपको, तो लेप्टोटीन के बारे में पढ़ रहे हैं, ये इंटरफेज अवस्था हो गई, इसके बाद में यहाँ साल होती है आपको प्रोफेज अवस्था, प्रोफेज फर्स्ट अवस्था शुरू यहाँ से होती है, इसमें क्या होता है केंद्रक क्या बोलते हैं कोशिका झिल्ली होती है सर्वतम और केंद्रक झिल्ली होती है, इसमें एक केंद्रिका होती है, इसमें ये गुणसूत्री पदार्थ होता है क्या बोलते हैं केंद्रक द्रव्य केंद्रक में और एक कोशिका द्रव्य होता है, लेकिन गुणसूत्री पदार्थ एक केंद्र झिल्ली के ये केंद्र झिल्ली के कोने में इकट्ठा हो जाता है और इस प्रकार गुलदस्ता नुमा संरचना बन जाती है, इसलिए लेप्टोटीन को गुलदस्ता अवस्था भी कहते हैं, क्या होता है कि निर्जलीकरण के कारण या संघनन के कारण गुणसूत्र गुणसूत्री पदार्थ में रूपांतरित हो जाता है और गुणसूत्र धागे नुमा प्रतीत हो जाते हैं इस अवस्था में, इस अवस्था में देखिएगा ध्यान से कि इस अवस्था में संघनन एवं निर्जलीकरण के कारण क्या जाते हैं, संघनन एवं निर्जलीकरण के कारण क्रोमेटिन पदार्थ गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाता है, तो ये गुणसूत्र में परिवर्तित हो गया जान देना, ये कहलाते हैं गुणसूत्र गुणसूत्रों में परिवर्तित हो गया, ये होते हैं इसके सेंट्रोमेयर ध्यान देना, क्या हो गया सेंट्रोमेयर, तो अब हम इसको वर्णन कर लेते हैं ध्यान देना, ये चित्र आपके सामने है, तो इसमें देखिएगा सबसे पहले पूर्वावस्था फर्स्ट की कौन सी अवस्था लेप्टोटीन, देखो इस अवस्था में इस उपअवस्था में गुणसूत्रीय पदार्थ संघनन संघनन एवं निर्जलीकरण के कारण गुण सूत्रों में परिवर्तित परिवर्तित हो जाता है, किस कारण होता है संघनन एवं निर्जलीकरण गुण सूत्रों में परिवर्तित हो जाता है, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ध्यान देना, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर सूक्ष्मदर्शी देखने पर क्या होता है कि इस उपअवस्था में गुणसूत्र धीरे धीरे इस पर दिखाई देने लगते हैं, तो देखो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इस उपअवस्था में गुणसूत्र इस उपअवस्था में गुणसूत्र धीरे धीरे गुणसूत्र धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं, धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं, अर्थात इसमें गुणसूत्र दिखाई देने लगते हैं, गुणसूत्र केंद्र झिल्ली के ध्यान देना सभी गुणसूत्र केंद्रक झिल्ली के मतलब सभी गुणसूत्र केंद्रक झिल्ली के एक बिंदु पर केंद्रक झिल्ली के एक बिंदु पर एकत्रित हो जाते हैं,
कहाँ जाते हैं, बिंदु पर एकत्रित हो जाते हैं, शेष भाग एकत्रित हो जाते हैं और शेष भाग गुलदस्ते के समान, शेष भाग गुलदस्ते के समान फैला होता है, शेष भाग गुलदस्ते के समान फैला होता है, फैला होता है मतलब केंद्र झिल्ली के एक बिंदु पर एकत्रित हो जाते हैं, यानी कि एक छोर और शेष भाग गुलदस्ते समान फैला होता है। इस ध्रुवीय अवस्था को गुलदस्ता संरचना, ध्यान देना, इस ध्रुवीय संरचना को, इस ध्रुवीय, इस ध्रुवीय संरचना को गुलदस्ता अवस्था या गुलदस्ता नुमा संरचना, क्या बोलते हैं इसको, गुलदस्ता नुमा संरचना कहते हैं। अतः लेफ्ट को गुलदस्ता अवस्था भी कहते हैं, अतः लेप्टोटीन को गुलदस्ता अवस्था भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ये लेप्टोटीन जो होती है इसमें चार चीज़ें पढ़ी हमने कि इस अवस्था में गुणसूत्र पदार्थ सबसे पहले क्या था, संघनन एवं निर्जलीकरण के कारण गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात गुणसूत्र पतले धागिनुमा हो जाते हैं, इसलिए तनुपट कहते हैं। धानना सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर इस अवस्था में गुणसूत्र धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं, अर्थात धीरे धीरे स्पष्ट होने लगते हैं। सभी गुणसूत्र केंद्र झिल्ली के, ध्यान देना, सभी गुणसूत्र केंद्र झिल्ली के एक बिंदु पर एकत्रित हो जाते हैं, मतलब केंद्र झिल्ली के एक बिंदु पर एकत्रित हो जाते हैं, इनकी एक छोर और शेष भाग गुलदस्ते के समान फैला होता है। इसी ध्रुवीय संरचना को, ध्रुवीय ध्रुवीकरण हो जाता है इसमें, तो इस ध्रुवीय संरचना को गुलदस्ता संरचना या गुलदस्ता नुमा संरचना कहते हैं, इसलिए लेप्टोटीन को गुलदस्ता अवस्था भी कहते हैं। तो इस प्रकार एक संरचना बन जाती है जिसे क्या बोलते हैं, गुलदस्ता अवस्था कहते हैं। ध्यान देना इसमें गुणसूत्र कणिका में प्रतीत होता है, क्योंकि प्रत्येक अर्धगुणसूत्र, ध्यान देना, प्रत्येक अर्धगुणसूत्र पर दानेदार संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमोमियर कहते हैं, क्रोमोमियर्स कहते हैं। आगे देखिएगा एक पॉइंट और है इसमें, इसमें ये पॉइंट है ध्यान रखना कि प्रत्येक अर्धगुण सूत्र के ऊपर, इसमें देखो, इस उपस्था में प्रत्येक अर्धगुण सूत्र मतलब क्रोमेटेड के ऊपर, क्रोमेटेड के ऊपर एक दानेदार, क्या किया जाती है, ऊपर दानेदार संरचना पर दानेदार संरचना दिखाई देती है, क्या दिखाई देती है, दानेदार संरचना पाई जाती है, कर लो संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमोमेयर कहते हैं, इसलिए गुणसूत्र कैसे दिखा देते हैं, इसलिए गुणसूत्र कणिका में प्रतीत, इसलिए गुणसूत्र कणिका मय प्रतीत होते हैं। ध्यान देना प्रत्येक गुणसूत्र के ऊपर या अर्धगुणसूत्र के ऊपर एक दानेदार संरचना पाए जाने के कारण गुणसूत्र बीडेड अर्थात कणिका रूप में दिखाई देते हैं। इसके बाद में अगली प्रोफेज अवस्था की जो
उपावस्था है, प्रोफिस फर्स्ट की उपावस्था, जायगोटिन, इसको अगले वीडियो में बताएंगे आपको। धन्यवाद।